नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया दे रहा है यहाँ पे कि रिक्ति घोटाले को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 से 8 में पदों की संख्या बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। लाखों अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए तैयार हैं लेकिन पदों की संख्या 1600-1700 के आसपास है। ऐसे में आलोक श्रीवास्तव ने आरटीआई से जवाब मांगा है कि आप बताइए कि आखिरकार इतने पदों की संख्या आखिरकार कहाँ गई, और हमें ये भी बताइए कि 2020-21-22 में कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं 1 से लेके 8 तक के लिए, टोटल बता दीजिए। तो आरटीआई का जवाब आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन सुट अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत ये आया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि नियमावली वापस होने के पूरे उम्मीद और आसार हैं, क्योंकि जब इन बातों को, इन मुद्दों को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक रखा जाएगा बातों को कि देखिए भाई, आरटीआई में भी ये कहा गया है कि इतने अधिक पद हैं लेकिन इतना बड़ा रिक्ति घोटाला किया गया है। आप देख सकते हैं कि सेक्टरी ऑनर जो यहाँ पे पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं उनकी संख्या यहाँ देख सकते हैं कितनी है, 5,92,541 है। वहीं पे वर्किंग टीचर कितने हैं, 3,00,000 देख सकते हैं, 69,053 है। इस तरीके से 9 से 10 के लिए भी बताया गया है, इसी प्रकार से 11 से 12 के लिए भी बताया गया है। तो दोस्तों, स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो कह दी गई है आप लोगों के समक्ष। अब आपकी बारी है दोस्तों, नियमावली वापस करने में सहयोग करें कि हमारी नियमावली वापस हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिक्षकों को घाटा है। एक तो देखिए, आपको दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही है, दूसरे में 6 से 8 में बहुत बड़ा रिक्ति घोटाला हुआ है, आखिरकार आप आवेदन कैसे करेंगे इसमें, और इसमें तो पदों की संख्या ही बहुत कम है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा और पल पल के अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।